राहुल जी ने जो यात्रा की थी, ये उसी का आशीर्वाद हमारे राहुल गांधी जी को मिल रहा है कि वहाँ उसमें देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने एक संघर्ष किया था, तपस्या किया थी, और तपस्या का फल हमेशा मिलता है। और देश की जनता ये जानती है कि अगर हिंदुस्तान को कोई चला सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही चला सकती है, इसके अलावा कोई। सभी लोग जानते हैं कि कर्नाटक में जिस तरह कांग्रेस की जीत हुई है और जगह जगह जो है सेलिब्रेशन जो है किया जा रहा है, जगह जगह जो है ढोल धमाके जो है बजाए जा रहे हैं, और जितने भी कांग्रेस के वर्कर हैं खास तौर पर काफी ज्यादा खुश हैं। और क्या कुछ इनका कहना है, इनसे भी बातचीत करेंगे। कांग्रेस के वर्कर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, क्या नाम है आपका? सफला। क्या कुछ कहना चाहोगे, कितनी खुशी आज हो रही है? देखिए, आज जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी मिली है, कर्नाटका से कांग्रेस जीत के आई है, बड़ी बहुमत के साथ आई है, और ये हमारी सबसे बड़ी खुशी है। तो क्या लगता है, जिस तरह अभी ढोल धमाका जो है जगह जगह मनाया जा रहा है, जिस तरह कहा जा रहा था कि कांग्रेस का डाउनफॉल जो है शुरू हो चुका है, लेकिन आज देखने में आ रहा है कि कांग्रेस जो है वापस जो है उभर रही है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदुस्तान की जनता ने दिखा दिया है कि कांग्रेस अगर डाउनफॉल में थी तो उसकी भी एक वजह थी, लेकिन आज यहाँ पे आप जश्न देख रहे हैं, कांग्रेस के वर्करों में कितनी खुशी है, खुशी की लहर वापस आ रही है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम कांग्रेस के वर्कर यहाँ से दिखाएंगे, रियाज साहब हमारे उनको जीत के यहाँ से हम भेजेंगे इंशाल्लाह। ये गरीबों की दुआ है, और रियाज साहब हमारे साथ है, गरीबों गरीब आवाम के साथ जुड़े हैं, और हम दुआ करते हैं। अगर खासतौर पर जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो कांग्रेस जो उभर के वापस आएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उभर के वापस आएगी। और फिर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रियाज है। रियाज जी, क्या कहना चाहोगे, आज जो है कांग्रेस इस तरह कर्नाटक में जीत के आई है, क्या कुछ कहना है आपका इसमें? बहुत खुशी की बात है। देखो, आप देख रहे हैं कैसे ढोल धमाका हो रहा है, और यहाँ का इंतजार है, यहाँ पे कब इलेक्शन होंगे, हम इलेक्शन का वेट कर रहे हैं और देखेंगे कैसे कांग्रेस कसरत से जीत सकती है। उसके अलावा जिस तरह आज डोडा में जश्न मनाया जा रहा है, जगह जगह जश्न मनाया है, इसमें आपका क्या कुछ कहना है? बहुत खुशी की बात है, मनाना है, क्योंकि कर्नाटक में बहुत अक्सरियत से जीत हासिल कर चुकी है कांग्रेस सरकार, और यहाँ पे इलेक्शन का वेटिंग वेट कर रही है, वेट कर रही है। आप कहना चाहोगे आगे, आप कांग्रेस के रूप में किसको जो है आप देखना चाहोगे आने वाले चुनाव में? रियाज साहब को, हमारा रियाज साहब यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे लीडर हैं, और ये इसको जिता के हम यहाँ पे रखेंगे। शुक्रिया। तो आपने देख लिया, कांग्रेस जो है लगातार यहाँ पर जो है आज खुशी मना रही है, कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं, कांग्रेस के यहाँ पर वर्कर हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अंजू जराल, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कांग्रेस से। मैम, जानने की कोशिश करूंगा, जिस तरह कर्नाटक में आज जीत हुई है, क्या कुछ कहना चाहोगे, जश्न जो है जगह जगह मनाए जा रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता को मुबारकबाद देती हूँ कि, और उससे पहले यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी कि बहुत कम समय में सब लोग यहाँ पे आए और इस जश्न का हिस्सा बने। और उसके बाद ये बताने की कोशिश करूँगी कि जिस तरीके से कर्नाटक के लोगों ने भाजपा को जड़ से उखाड़ के फेंका है, इस तरीके से सेम उसी तरीके से हर जगह पे जहां जहां पे इलेक्शन होंगे वहां पे भाजपा मुक्त हिंदुस्तान बन जाएगा। जिस तरह कहा जा रहा था कि कांग्रेस का डाउनफॉल जो है शुरू हो चुका है, कांग्रेस जो है धीरे धीरे जो है खत्म हो रही है, तो इस पे आपका क्या कहना है? देखो, ये तो बोलने की बातें हैं, लेकिन जब चुनाव होता है तो इस वक्त हमारे देश की जनता ने तो साफ कर दिया है कि भाजपा मुक्त भारत बना दिया इस वक्त। क्या लगता है, जैसे राहुल गांधी की जोड़ो यात्रा थी और उस यात्रा के बाद जो है अब जो चुनाव हुए उसमें साफ तौर पर जीत जो है कांग्रेस की दिख रही है, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, तो इस पे क्या लगता है आपको कि कितनी सफल वो यात्रा रही? देखो, राहुल जी ने जो यात्रा की थी, ये उसी का आशीर्वाद हमारे राहुल गांधी जी को मिल रहा है कि वहाँ उसमें देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने एक संघर्ष किया था, तपस्या किया थी, और तपस्या का फल हमेशा मिलता है। और देश की जनता ये जानती है कि अगर हिंदुस्तान को कोई चला सकता है तो कांग्रेस पार्टी ही चला सकती है, इसके अलावा कोई भी इसको चला नहीं सकता। कांग्रेस के जितने भी सपोर्टर थे, वर्कर थे, या प्रेसिडेंट थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे, साफ तौर पर उनका यही कहना था कि कांग्रेस ने जो है आज दिखाया, लोगों ने साफ तौर पर दिखाया कि कांग्रेस जो है वो फिर से जो वो खत्म नहीं हो चुकी है, यानी वो अभी भी जो है जिंदा है, और लोगों ने ये प्रूव करके दिखाया। और जिस तरह आज कर्नाटक के चुनाव के बाद कांग्रेस की जीत होने के बाद जश्न जो है जगह जगह मनाए जा रहे हैं, जगह जगह जश्न देखे होंगे, क्या कुछ आगे रहता है, क्या कुछ आगे की तस्वीरें रहती है, स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे।